प्रेस क्लब के सामने वासा यूनियन का एहतजाज। शिमला पहाड़ी, क्वींस रोड, डेविस रोड, एबट रोड और एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, वार्डन मौजूद हैं या नहीं? जी देखिए, वासा यूनियन एहतजाज के बाइस शिमला पहाड़ी, क्वीन रोड, डेविस रोड, गर्टन रोड, एबर्ट रोड और गड़ी शाह और इतराफ की सड़कों में ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव बढ़ गया है। ट्रैफिक की जो मामूल के मुताबिक नफरी थी वो तो मौका पर मौजूद है और ट्रैफिक की रवानगी को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से यहाँ पर डाइवर्जन लगा दी गई हैं और ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक दबाव ज्यादा होने से जो शहरी है वो खवार हो रहे हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शिमला पहाड़ी के तराब की बात करें तो डेविस रोड पर जो है वो शदीद लंबी लाइनें लग चुकी हैं और दूसरी जानेब जो है वो गड़ी शाहू चौक में भी ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह जो है वो फंसी हुई है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम हो चुकी है, शहरी जो है वो बदहाल हो चुकी है उनका कहना है, और ट्रैफिक से जो हमारे जो तर्जमान ट्रैफिक पुलिस उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि जो है अजाफी नफरी तैनात की जा रही है और इसके साथ साथ डीएसपी को भी मौका पर भेज दिया गया है और मुतलका जो अफसरान है वो भी मौका पर मौजूद है और अब जो है वो ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर।